वेलकम वेलकम रूबी की किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम होममेड फ्रेश सॉफ्ट प्रेटजल्स बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक कप वार्म मिल्क है, यानी गुनगुना बिल्कुल गर्म। उसमें हम डालेंगे इंस्टेंट ईस्ट जो कि है 2 टीस्पून, और साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून शक्कर और इसको हिला लेंगे। ईस्ट मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका फ्रेश हो, वरना सारी चीज रुइन हो जाएगी। और यहाँ हमारे पास 2.25 कप मैदा है, इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और इसको मिला लेंगे। मैदा हमने लेवल्ड मेजर किया है, यानी काट कर। चलिए ये मिक्स हो गया और अब हम ग्लव्स पहनते हैं और एक अच्छा सा डो बनाएंगे। अब ये दूध और ईस्ट का मिक्सचर डालेंगे इसमें। मिक्सचर हमने डाल दिया और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर मक्खन और अब इसका हम अच्छा सा डो बनाएंगे। सबसे पहले यूं चम्मच से मिला लेते हैं, मैसी पार्ट जो है वो चम्मच कर लेगा। ये इतना सिंपल वे है प्रेटजल्स बनाने का, और फ्रेश होमली बेक्ड प्रेटजल्स हो तो क्या चाहिए, लाइफ ब्यूटीफुल है। चले ये हमने टुगेदर कर लिया चम्मच से, अब हम इसको हाथ से नीट कर लेंगे जब तक कि ये अच्छा सा एक बॉल ना बन जाए, अराउंड 2 मिनट्स। तो ये देखिए स्टिकी भी ख़त्म हो गया है और अच्छा सा डो बन गया है। तब इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे बर्तन में, अराउंड 1 टीस्पून के आसपास। किसी भी ऐसी जगह रख देंगे जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो, जैसे कि ये मेरा बंद माइक्रोवेव जो पीछे है, जब तक कि डबल ना हो जाए। अब टेम्परेचर पे भी डिपेंड है, घर के टेम्परेचर पे, वेदर पे भी डिपेंड है। हो सकता है 40 मिनट्स में भी हो जाए, हो सकता है 1 घंटे से ऊपर भी लग जाए। तो जब तक वो राइज होता है हम इसका एक मिक्सचर बना लेते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास 1 कप गर्म पानी है, उबलता हुआ नहीं है लेकिन गर्मा गर्म पानी है। तो उसमें हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। पानी जो है हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसका मतलब बेकिंग सोडा अच्छे से घुल गया है। तो इसको अब हम कवर करके रख देंगे और मिलते हैं जब तक कि हमारा आटा डबल ना हो जाए। देखिए 1 घंटे से ऊपर हो गया है, चल के देखते हैं कि आटा लग कैसा रहा है। देखिए कितना अच्छा राइज हो गया है, ग्लव्स पहन लेते हैं, पानी डाउन करते हैं। आहा क्या शानदार आटा लग रहा है। चले अब इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेते हैं और अब इसके हम 6 बॉल्स बना लेंगे। अब इनको जो है अंदर रख देते हैं दोबारा और 1 ले लेते हैं और इसको लंबाई में रोल करेंगे। जितना लंबा कर सकते हैं कर देंगे, अराउंड 30 इंचेस के आसपास। और ये हो गया अराउंड रफली 30 इंचेस। अब ये इस तरह से किया, अब हम इसको डबल कर देंगे यूं, इस तरह से यूं। और यूं करने के बाद 1 को दूसरे पे ले आएंगे, अगेन 1 को दूसरे पे लेके आएंगे। इस तरह से लाए,
इसको उठा के यहाँ रख देंगे। ये देखें ऐसे, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब वो जो हमने बेकिंग सोडा का मिक्सचर बनाया था ना, तो उसमें डुबोएंगे हम अराउंड 20 सेकेंड इस तरह से, और उसको बेकिंग शीट पर रख देंगे। अब ये मेरे पास सिलिकॉन वाली है, अगर आपके पास सिलिकॉन वाली नहीं है तब आप क्या करें कि हैवीली ग्रीस कर दें अच्छा खासा, उसके नीचे बटर लगा दें या ऑयल लगा दें। और इस पॉइंट पर जब ये गीला है, मोटा वाला जो नमक होता है ना, वो छिड़केंगे। तो ये बेसिकली ये नमक इतना खारा भी नहीं होता। कोशर सॉल्ट ले लें या फिर प्रेटजल्स का अलग से नमक आता है, जो भी आपके पास हो या कोई भी मोटा नमक हो उसको दरदरा कूट लें। तो बस इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। मुझे बहुत पसंद है, ख़ास तौर से गरम गरम, नरम नरम, फ्रेश फ्रेश। चले अब इसे हम ओवन में डालते हैं, जो कि ऑलरेडी हो गया है प्री हीटेड 450 फ़ारेनहाइट एंड 230 सेल्सियस के आसपास। मिलते हैं अब 10 मिनट्स में। ये देखिए, प्रिटी प्रिटी। अब अगर आपको सॉफ्ट रखना है तब आपको इस पे मेल्टेड बटर लगाना है, और अगर चूई रखना है तब ऐसे ही रंध, तो मैं बटर लगाऊंगी। ये जब मेरी बेटी गुड़िया छोटी थी ना, तो जब हम मॉल जाते थे तो ये हमेशा कहती थी कि मुझे चाहिए, फिर मैं उसको दिला देती थी। अब वो जो है वो चीज़ सॉस के साथ खाती थी, अब मैं प्लेन खाती थी। शफी को भी बहुत पसंद है। अब डिश आउट करते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास चीज़ सॉस है, ज़रूरी नहीं है उसके साथ खाना, लेकिन खाएंगे तो मज़ा आएगा। आहा देखिए क्या सॉफ्ट सॉफ्ट है। अब पीछे से कलर भी देखिए कितना खूबसूरत है। तो देखा कैसे झटपट बिना मेहनत के ज़बरदस्त से हमारे ढेर सारे प्रेटजल्स बन गए, वो भी होममेड, सॉफ्ट सॉफ्ट, मज़ेदार से। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसे रहे। ये तो मेरी बेटी सनोवर के नाम, उसका बचपन का फेस मुझे नजर आ रहा है। अब हाथ लगे तो उसके मुंह में डालूं। अब मुझे भूखा पसंद है और शफी को भी। मैं आप लोगों को टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखें कैसा गजब का है, देखें कितना सॉफ्ट, बेहतरीन है। पतीले में चाहे तो पतीले भी बनाए जैसे पिज़्ज़ा वगैरह बेक करते हैं, लेकिन जिस डिश में बनाए ना उसका पैंदा काफ़ी मोटा होना चाहिए, क्योंकि ये हाई फ्लेम पे हमने बनाया ना। ओवन का भी टेम्परेचर क्या रखा था, 450, तो इसे भी हमें बेक करना होगा मीडियम पर, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए, सख्त ना हो। तो चले जल्दी ले जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।